देखना भाई लाइव। दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का मैच बिशुनपुरा बाजार से तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच है जो खेला जाएगा धोबोल वर्सेज हरखोली। टॉस जीता है धोबोल के कप्तान ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। ये मैच 12-12 ओवर का खेला जाएगा। 12-12 ओवर का मैच होगा ये। दर्शकों की यह संख्या जो है मैच शुरू होने के बाद बढ़ती है। अभी आप देख सकते हैं मैच अभी चालू नहीं हुआ है फिर भी दर्शक उपलब्ध हो चुके हैं। हमारे पीछे भी बहुत ज्यादा दर्शक हैं। दिलशान भाई कल आना है, कल हमारी टीम में नहीं भाई, अब ये कमेटी समझेगी बुलाएगी कि नहीं, कल आना है कि नहीं आना है कमेटी बताएगी। सारे अच्छे प्लेयर खेल रहे हैं खान सैफुद्दीन जी, कोई इसमें खराब प्लेयर नहीं है। देवरिया मतलब यूपी के सारे प्लेयर होंगे इसमें, जितने हुए कोई बाहर का प्लेयर नहीं है, सारे यूपी के देवरिया गोरखपुर सभी लोग है, राम विकास का सभी लोग खेल रहे हैं। टॉस जीता है हरखोली के धोबोल के कप्तान ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। 12-12 ओवर का निर्धारित। तो बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है हरखौली को। तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच है ये। नहीं खान सैफुद्दीन जी नहीं है भाई, हाई तो मैं कल ये जाते हैं दवाई कर तो हाई माजी बहुत रहेगा भैया, ये जुगी है ठीक लग की तरह। आजकल जो तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला है दबोल बनाम हरखोली के बीच खेला जा रहा है, जिसमें दबोल की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और हरखोली की टीम को बैटिंग करने का न्योता दिया। और आज का जो लाइव परफॉर्मेंस दिखाया जा रहा था उसमें इंसान क्रिकेटर सलेमपुर और जिसको भी और जो बाहर है काफी दिन में देख चुका है मैच में प्लेयर लिस्ट जो हमारे पास मौजूद है, मनोज कप्तान, सफियान राज कप्तान, सौरभ, विक्की, चंद्र प्रकाश, काना सैनी, सुजीत, अरविंद यादव, अनुराग यादव, छोटू यादव और राहुल। कितना हो गया हजार से ऊपर हो ना भैया, हजार है ये वो कौन टुबा बना बहुत इतने करना वो मैच में चला। तो टॉस जीता है हरखोली के माफ कीजिएगा धोबोल के कप्तान और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। धोबोल के कप्तान से निवेदन है भैया कृपया वो जल्द से जल्द अपना फील्डअप सजाए, काफी विलंब हो चुका है मैच में। धोबोल के कप्तान अगर हमारी आवाज को सुन रहे हैं तो कृपया भैया वो जल्द से जल्द फील्डिंग सजाए,
ताकि जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट किया जाए। और हम आज बता दें, जिसको भी आज लाइव प्रसारण देखना है फेसबुक पे, वो दिलशाद क्रिकेटर सलेमपुर से फेसबुक पे जाके देख सकते हैं। लाइव प्रसारण आज का जो मैच लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा वो दिलशाद क्रिकेटर सलेमपुर दिखाया जाएगा फेसबुक पे, और शाम को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा। और जो भी दर्शक ग्राउंड के अंदर है प्लेयरों को छोड़ कर कितने बाहर हो जाए लेकिन देखते हैं कौन टीम जीतती है आज। और हम बता दें कि आज तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला दुबई बनाम हरखाली के बीच खेला जा रहा है, जिसमें दुबई की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और बैटिंग करने का नेता हरखाली को दिया है। और हम बता दें कि जो दो टीमें हैं, एक मैया पाटन और एक कटिया बाजार की टीम, जो पहले से सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है, आज देखते हैं हरखाली में, हरखाली और जो दुबई के बीच मैच खेला जा रहा है, कौन टीम है जो आज जीतकर सेमीफाइनल के लिए प्रवेश कर सकती है। जितने भी नए भाई लोग जुड़े आकाश भैया जहां कहीं भी हो कृपया कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। जी स्वाजी भाई बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का जो तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला दुबई बनाम हरखाली के बीच खेला जाएगा, जिसमें दुबई की टीम ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया और बैटिंग करने का नेता हरखाली को दिया है। हम दुबई के कैप्टन से निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द अपना फील्डर सजाए और जितने भी दर्शक ग्राउंड के अंदर है कृपया ग्राउंड से बाहर हो जाए। जी सोनू को हम बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई, राम राम। लाइव में बने भैया आप। और हम बता दें कि जिसको भी लाइव प्रसारण देखना है वो दिलशाद क्रिकेटर सलेमपुर फेसबुक पे जाके सर्च करें दिलशाद क्रिकेटर सलेमपुर और लाइव प्रसारण देखें मैच, आज का जो मैच होगा। कन्हैया
भैया भाई खेल रहे हैं जी। अभी ये नहीं पता है, आपको नहीं बता सकते, हम माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। आप लाइव में बने रहिए। अब्दुल खान जी, हाँ अब्दुल खान भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव में। फाइनल में अभी टाइम है भाई, अभी फाइनल कुछ दिनों बाद हुए, अब बने हुए लाइव में। अगर फाइनल होगा तो आपको जरूर दिखाएंगे इसी चैनल पे, फेसबुक पे, इसी पेज पे आपको जरूर दिखाएंगे हम फाइनल। रिंकू विनय की टीम है, भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव में। राम भवन जय हो, जय हो, जय श्री राम की जय। जी भैया, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से लाइव में। जितने भी नए भाई लोग जुड़े हैं वो सब लाइव में बने हुए हैं। हम दोनों पैरों से चाहेंगे कि जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट किया जाए और आकाश भैया जहां कहेंगे कृपया कमेटी बॉक्स पे आ जाए। जी भैया, अभी नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास प्लेयर लिस्ट नहीं है। चंदू भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। खौली विन द मैच आई विश। अब ये तो मैच खत्म पूरा देखने के बाद ही मालूम चलेगा भैया। आबिद खान बोलो भाई। जी आबिद खान भाई बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? नियम सलमान चालू है नेट। जी वे मैच बिशनपुरा में हो रही है। अवनीश भाई ये मैच बिशनपुरा हो रहा है। अभी ओपनिंग में कोई नहीं आया भैया, अभी वेट, अभी टाइम है ओपनिंग में। तो जी हाँ दिलशान सर वो खेलेंगे, जरूर खेलेंगे। भैया वो शिवम भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, वो मैच खेलने गए हैं ओपनिंग में। दिलशान सर आ रहे हैं अपने, बहुत बहुत स्वागत है। वाकुराज भाई, वाकुराज भाई जी, आबिद खान भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सोनू कुमार भाई जी भाई बहुत बहुत बढ़िया है। जी भैया बैटिंग वाली टीम में है। जी भैया चालू, अभी मैच शुरू हो गया है, टॉस हो गया है। और जितने भी नए भाई लोग जुड़े हैं उन सभी का एक बार लाइव में फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
आप हमारे YouTube के चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर। पचास चाहिए भाई, जी सोनू भैया जी बहुत जी बिल्कुल। सचिन भैया नहीं है ओपनिंग में, सर भैया दिलशान सर है और एक कोई और भी है। और ये लाइव अपने दोस्तों के पास जो भेजिएगा ताकि वो भी इस मैच का लुत्फ ले सकें। नहीं भाई, नए नए भाई अभी अभी लाइव में जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये पहली गेम जी भैया सचिन जग्गू यादव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी भैया सचिन है यहाँ जी भैया। डीएम सलमान में बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये मैच भैया हो गया बिशुनपुर हो गया बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताइए फील्डिंग में कुछ चेंज करते हुए अपने हिसाब से फील्डर को सजाते हुए सुधीर के गेंदों का सामना करेंगे दिलशान। शायद फील्ड को अपने अनुरूप सजाते हुए बाहर कुछ सलमान भाई। जी हाँ आज बिशुनपुरा में मैच हुआ है, मैच काफी रोमांचक मैच होने वाला है और दोनों ही टीमें काफी मजबूत। बैटिंग करना है, अंपायर को क्रॉस किया
और काफी अच्छी जो है हल्का पीला नगर को फील करता था, दोनों गोल में आसानी से पूरा कर लिया और फिर एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान का पहले ओवर की प्रगति पे। और आज का मैच हरफेलू का नाम भूगोल का जो मैच खेला जा रहा है, जो व्यक्ति दूर है और उस मैच को देखना चाहता है तो वो लाइव भी देख सकता है दिलशान क्रिकेटर फलकपुर के फेसबुक लाइव पेज पे, इस मैच को लाइव देख सकता है। और आज का मुकाबला काफी रोमांचक मुकाबला होने वाला है और सुजीत अगर पूरा बॉलिंग करता तैयार सुजीत चले हल्का कदम का देते हुए अंकार को क्रॉस किया और काफी अच्छी गेंद खेलना चाहता था लेकिन गिर रही थी डिफेंडर के हाथों में और अभी भी स्कोर रुका हुआ है। जी भाई बिशुनपुरा मैच है, मानिक राजन भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, ये मैच बिशुनपुरा में हुआ है, आप हमारे साथ लाइव में बने हुई है। एक चौका लगा था भी खेल रहा है सुजीत के जगह का सामना करेंगे सचिन सुजीत चल हल्का करने से जाते हुए एक्टर को करा किया और बुरा लगने लग जाता तो जो सही करके हम बल्ले पाई नहीं रखता और फिर भी फील्ड हुआ देखते हैं क्या होता है और जब तक फील्डर ने गेंद रिफिल किया खड़े हुआ तो फिर दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से एक रन पूरा कर लिया और इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ हरफाली का स्कोर 8 रन और अब सुधीर के जगह का सामना करेंगे दिलशान। दिलशान जो काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, काफी लंबे लंबे हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं, देखते आज अपने प्रतिभा के अनुरूप बल्लेबाजी कर पाते हैं कि नहीं। और सुधीर एक बार फिर अपने बल्ले में उतर जाते हैं और पार्क क्रॉस किया और फील्डर से काफी दूर गेंद से बाहर निकल गया है 4 रन के लिए और इधर से समाप्त और 4 रन का बचा हुआ हासिल का टोटल स्कोर 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के पहले ओवर की समाप्ति के बाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मैच हरफाली बनाम भूगोल के मध्य खेला जा रहा है और इस मैच को का लाइव प्रसारण दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के फेसबुक पेज पे आप इसे लाइव भी देख सकते हैं इस मैच को। भैया गेंदबाज अपना नाम बता दें। सौरभ गेंदबाजी के लिए सौरभ आ चुके हैं। सौरभ चले हल्का कदम से बढ़ते हुए और काफी अच्छी गेंद गिरने के बाद गेंद नीचे रही और बैट और बल्ले से कोई संपर्क नहीं हुआ और अभी भी रन रुका हुआ 12 रन। तो सौरभ सौरभ से जुड़े का सामना करेंगे सचिन। सौरभ चले हल्का कदम देते हुए ऊपर क्रॉस किया और काफी अच्छी गेंद था और खेल दिया ऐसे में लेकिन फील्डर से काफी दूर थी ये और जो तक फील्डर गेंद पे फील किया था तो दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से एक रन पूरा कर लिया और फिर एक रन साथ बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन दूसरे ओवर की प्रगति का बिना किसी विकेट के नुकसान का हरफाली। और सारा कुछ फील्ड में चेंज करते हुए अपने हिसाब से लगा रहे हैं दिलशान अपने स्टाइल पर सारा की जगह का सामना करेंगे दिलशान और पटके हुए खेल दिया हल्के हाथों से और फील्डर में भी बेटक फील्डर ने जैसे फील किया था दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से एक रन पूरा कर लिया और फिर एक रन साथ बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। और भाई जो भी दर्शक बाउंड्री के साइड में है कृपया थोड़ा सा पीछे हट जाए ताकि फील्डर को कोई फील करने में दिक्कत ना हो सभी दर्शक और फिर अगले अपने बल में क्या और भाई खेल दिया है किसी भी फील्डर के पास कोई मौका के लिए। तो सचिन के द्वारा पहला सिक्स और इस पारी में भी पहला सिक्स आया सचिन के बल्ले से तो सिक्स छह रन साथ में ऐसा रन चला हमें कम मजदूर से तब कर दिया और फिर से पटकी हो गया उधर खेल दिया गेंद लेते ने बॉल में लेके बाहर छह रन के लिए तो मैं आता हूं दो गोल पर दो लंबी हिट सचिन के बल्ले से निकलता हुआ। अभी हम बता ही रहे थे कि अब दोनों टीम
काफी मजबूत और जो सलामी बल्लेबाज के रूप में है दिलशान और सचिन काफी अहमद प्लेयर के लिए जाने जाते हैं, फिर वो उसी तरह से बल्लेबाजी करते हुए अब देखते हैं हैट्रिक लगा पाते हैं कि नहीं विकेट पे। हैट्रिक लगाने का चांस सौरभ चले फिर बढ़ते हुए और फिर फील्ड अंगे पूजा और खेलना चाहते थे लेकिन जैसे इधर कुछ बल्ले पाए नहीं और जैसे फील्ड अंगे से फिर गया तो दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से रन किया कर लिया और उधर की समाप्ति इसे एक रन और तक बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन 2 ओवर की समाप्ति पर बिना किसी विकेट के नुकसान पे तो काफी शानदार बल्लेबाजी सचिन और दिलशान के बल्ले से देखने को मिल रहा है और गेंद को चेक करते हुए दिलशान जो भी दर्शक सचिन भाई का अपने घर है या कहीं और पे है और इस मैच को देखना चाहते हैं, इस मैच को मिस नहीं करना चाहते हैं तो दिलशान क्रिकेट और तलक करके फेसबुक लाइव पर देख सकते हैं। बैट्समैन नेम सचिन के आउट होने के बाद से तो दूसरे सचिन आए हैं चार रनों के साथ बढ़ता है 42 रन
एक विकेट के नुकसान तक तीसरे ओवर की प्रगति पे। तो अभी तक दिलशान के बल्ले से लगते हुए देखने को नहीं मिला है। दिलशान जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं, देखते अभी भी मौजूद है तो इस पर कुछ भी कर सकते हैं, काफी खतरनाक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। इस फील्ड से भली बात परिचित है और सभी चले अपने पूरा अपने बाल में उठा तो बॉल चला किया लेकिन ड्रॉप हुआ, काफी गेंद नीचे थी और जब तक फील्डर ने गेंद को फील किया तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से एक रन पूरा कर लिया और एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन। तीन ओवर की समाप्ति पे एक विकेट के नुकसान पर हर खाली। तो इस समय तीन ओवर की समाप्ति पे हर खाली का टोटल स्कोर 43 रन एक विकेट के नुकसान पे। महान दिलेरी पर साधना असली जगदीश पांडे को कर मछली के पावन संगम पर स्थित महंत पर्वत इंटरमीडिएट कॉलेज के ग्राउंड में आप सभी दर्शकों का मैच पर कुशवाहा हार्दिक अभिनंदन वंदना स्वागत करता हूं। और आज का यह मैच हरथाली उपनाम धोने के मध्य खेला जा रहा है और सदस्य रवाना गेंदबाजी के लिए सारों से लगे कर बैटिंग के लिए क्रीज पे आए हैं माखन भैया और दिलशान के की जगह पे आया है माखन सामना करके सारा की जगह पर। सारा के पास ना पहले में पता है सामने होंगे माखन सारा चला फिर तब बंदे पे बार कर दिया और अतिरिक्त रनों के साथ हर खेली का 50 रन पूरा हुआ। सारे चढ़ाकों का मैं बैठे अंदर करा दिया तो पटकी हुई थी लेकिन बैट और बल्ले के संपर्क नहीं जो थी पैर में टकराई और अभी भी इसको रुका हुआ 50 रन चौथे ओवर की प्रगति पे दो विकेट के नुकसान पे हर खेली। सौरव ने अपना अपना बल्ले पर बैठे हुए अंदर करा दिया और कल मैच के रिकॉर्ड चल रहा है जो जो थी बैटिंग अंदर अच्छा रन के लिए और फिर 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 56 रन। तो विकेट भले ही गिर रहा है रन नहीं रुक रहा है कोई भी बल्लेबाज रुकने के मूड में नहीं काफी शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी जमीन देखने को मिल रही है और सारे कप्तान अपने बल में बता देते हुए कर दिया और फिर से काफी दिशाहीन गेंदबाजी अंपायर का इशारा आया तो इस प्रकार एक छक्का खाने के बाद दिशा घटक गया सौरभ दो वाइट दे चुके हैं सौरभ में सौरभ चला है कम में बदलते हुए अंपायर को सलाह किया और काफी अच्छी गेंद गेंद गिरने के बाद टर्न ले रही है और इधर से समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति पे हर खेलों का टोटल स्कोर 57 रन 2 विकेट के नुकसान पे। Yeah.
धन्यवाद मैम। छोटू छोटू आए हैं दोनों भाई के लिए, जितने भी भाई नए नए लोग अभी लाइव में जुड़े उन सब और सामने हैं कुछ छोटू लोग मेरा सामना करेंगे। कुछ छोटू चला रहे करना बताते हो बार बार आप क्या और पार्टी के अंदर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बात से कोई संपर्क नहीं गोल से विकेट कीपर के पास आने में जी कुछ वाह भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव में, लेकिन दिलशान सर अभी गए बैटिंग के बाद अभी गए करेंगे। कुछ वाह भैया ये बात तो अभी हम नहीं बता सकते, अगर हमको कमेटी बुलाएगी तो लाइव चलाने भैया आप अब हम ये नहीं बता सकते कि कल यहाँ लाइव आती है तो हम लोग जरूर आएंगे पांच ओवर समाप्त हो चुके हैं, दो विकेट का नुकसान है और अभी रन रेट पहुंच चुका है। तो छोटू जो काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे और लेकिन अंतिम गेंद पे माथन ने गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। और एक रन प्राप्त करता है 72 रन, 6 विकेट के नुकसान पर
तैयार, सामने हम लोग नाखन देखिए जो गलत अपन ना करेंगे नाखन देखिए चला है कलकम में दौड़ते हुए जिंदा को खड़ा किया और तीन गोल नाखन समझ नहीं पाया बिक्की की गेंद था एक छक्का खाने के बाद बिक्की ने नाखन किया और नाखन बैठे हुए क्लियर बोल कर दिया फोर रन का रास्ता दिखा दिया और इस पर खाली का तीसरा विकेट गिरा नाखन के रूप में पेपर बिक्की छक्का खाने के बाद फिर से अपने एंगल को बदला अपने थ्रो को बदला और सीधे क्लीन बॉल कर दिया माखन को जब कोई बल्लेबाज गेंदबाज पे हावी हो रहा है तब गेंदबाज विकेट निकाल रहा है अभी तक तीन बल्लेबाज पहले जा चुके हैं बैट्समैन ने नए बैट्समैन ने रंजीत अभी क्रीज पर बैटिंग के लिए रंजीत आ रहे हैं बैट्समैन का नाम रंजीत है और लाइव में आप सभी बने रहिए और अब बिक्की के गेंद का सामना करने जा रहे हैं रंजीत नासिर का स्थान लेने आए हैं बिक्की को गेंद का सामना करने जा रहे हैं रंजीत काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं बिक्की से हम ये मैच खोली और दो बॉल मिला के बिक्की एक बार फिर अपने काले मार्क पर तैयार दौड़ते हुए ऊपर क्रॉस किया और फिर जो गेंद था आखिर जो है तो किसी ने बाउंड्री लाइन पर अच्छे रन के लिए तो काफी आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं रंजीत ने छक्के से शुरुआत किया आपने और फटाफट छह रनों के साथ बढ़ता है स्कोर अठहत्तर रन बहुत बहुत स्वागत है लाइव में अरे तो काफी लंबा हिट आते हुए रंजीत ने लगाया और सामने होंगे बिक्की बिक्की के गेंद का सामना करेंगे रंजीत बिक्की जो इस ओवर में एक विकेट भी ले चुके काफी शानदार क्लीन बोल्ड किया था माखन को समाप्ति पर कोहली का पूरा तीन विकेट के नुकसान पे 79 रन हो चुका है तीन विकेट के नुकसान पे युवराज चौहान भाई 79 रन बन चुके हैं कोहली के छह ओवर के नुकसान पे
जहाँ सिंगल होने चाहिए वहाँ सिंगल नहीं रहा, लग रहा है कि छक्के और चौके उठाने के इरादे से मैदान पे आए हैं। भैया गेंद को आप ज्यादा डिस्टर्ब चेक ना करें, इसलिए कि खेतों में पानी लगा हुआ है इसलिए गेंद भीग जा रही है। सचिन छोटे कप के बल लगा रहे हैं लेकिन लंबे हैं और इसे बल लगा से काफी उम्मीद है खेल की टीम। 85 रन टोटल इसे हर खेल का टीम का संख्या छोटे चलाते थे मदद करते कर दिया और फिर निकल दिया फिर मौजूद और अभी भी रन रुका 85 रन भाई साउंड के एकदम पास है इसलिए आवाज खाने के बाद वापसी करते हैं करा चुका है छोटू और फिर जो पोटा जो चल दिया है फील्डर मौजूद और काफी अच्छी फील्डिंग काफी शानदार फील्डिंग कर रहे हैं। इससे पहले बाली माफी करते हैं होटल लगवा ले जो बोला भैया बल्लेबाज को बार बार गेंद पे क्या करता है पवन कोहली हाँ मुकेश निषाद रंजीत है आप बिकी आए हैं गेंदबाजी के लिए सामने हम गोपाल से बिकी चला दो दो बार वगैरह क्या पटकी हो गई थी बार खेलना चाहते थे लेकिन गेंदबाज बल्ले पर दो तो पक गई और अभी भी इसको रुका हुआ 92 रन 92 रन के अनुसार पे आठवें ओवर की प्रगति पे आठवें ओवर प्रगति पे 92 रन बन चुका है बिशनपुरा बाजार में ये मैच हो रहा है। देखिए बत्रा पटल होता है बत्रा आगे दोनों ने बॉल करा किया और काफी अंपायर का इशारा है ये कहीं के और अंपायर का इशारा है वाइट ये तो कहते हैं परिणाम साथ बैठे हैं पहले कहते हैं इसे रन 3 विकेट के नुकसान पे स्कोर है हरखोली का और बिकी चले अपने अपने बैलिंग मार्क पे तैयार सामने हमारे जी हैकल कर मत दे पर रोका किया और खेलना चाहते थे लेकिन जैसे कि इस बल्ले तो आए नहीं और विकेट कीपर ने बल्ले के फिर से लिया था तो दोनों बल्ले बल्ले ऐसा ही तो पूरा कर लिया और एक रन के साथ बढ़ता है हरखोली का टोटल स्कोर 95 रन 3 विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर की प्रगति पे अपने मित्र के पास भेजिए जिसे सभी लोग इस मैच को देख सकें और फॉलो कीजिए दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर फेसबुक और यूट्यूब चैनल को। आप सभी का स्वागत है बड़े से बड़े मैच देखने के लिए और छोटे से छोटे मैच अच्छे बल्लेबाजी और गेंदबाजी कोई भी टीम की जीत पर हावी नहीं होता है दोनों तरफ से काफी अच्छा खेल देखने को मिला बच्चों को और बच्चा और फिर तो जाकर खेल लिया खतरा हो सकता है देखते हैं क्या होता है फील्डर मौजूद और ये कई ग्राफ होता है दो फील्डर समझ नहीं पाए और कोई ड्रॉप कैच ड्रॉप कर दिया है दर्शक देख सकते हैं बढ़िया दर्शक बहुत ही अच्छा असमंजस में दोनों खिलाड़ी नामी ग्राउंड उत्तर प्रदेश दोनों ने यह सुंदर कहते सचिन को डांस हुआ और इस प्रकार योगदान मिला सचिन को। रेहान स्पोर्ट्स शिव बनकटा का नंबर दीजिएगा नहीं समझे भाई शिव बनकटा का नंबर और देखिए काफी बार बारे में आते थे सामने हम आगे और फील्डर अभी थे अपने पोजीशन पे अपने जगह पे आए नहीं थे अगर तो नंबर आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आप लोगों और पटकी गेंद धार चल गया काफी लगता है इसकी तो फील्डर के पास कोई बचा नहीं जो कि तेरे बैटिंग में अच्छा रन कर लिया
जी हाँ, कुशराव राजपूत जी है, दोनों लोग हैं। बल्लेबाजी कर ही रहे हैं, राम विकास अभी बेंच पे है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो आज ओवर की समाप्ति पे हरखोली का टोटल स्कोर 102 रन, 3 विकेट के नुकसान पे आठ ओवर की समाप्ति पे। बता नहीं सकते गोलू यादव है कि नहीं है भाई। इस मैच का लाइव प्रसारण दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के फेसबुक लाइव पे पेज पे आप इस मैच को लाइव पे देख सकते हैं। इस मैच का हरखोली ग्राम जबल के इस मैच का लाइव प्रसारण दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के फेसबुक पेज पे आप जाके इस मैच को लाइव भी देख सकते हैं। सभी का धन्यवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली पारी चल रही है सर, पहला पारी है। विकास आ रहे हैं बल्लेबाजी करने, तो सरकार हरखोली को चौथा विकेट गिरा 106 रन के टोटल पे। हरखोली का चौथा झटका लगा गग्गू यादव, लेफ्टी आउट हुआ है तो कैसे भाई राइटी भेज दोगे? आने दो राम विकास को, इसके बाद से बिट्टू आ जाएंगे। नौ ओवर की समाप्ति पे हरखोली का टोटल स्कोर 106 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। एक सौ छह रन हुआ है।
नौ ओवर समाप्ति हो चुके हैं, तीन ओवर शेष बचा है। छोटू आए हैं दूसरे ओवर लेकर, बल्लेबाज ने बता दिया है राम विकास देखते कि बचे हुए में कितना कामयाब निकाल पाते हैं। अच्छे से चल रहा है और उठा कर खेल दिया है। शेल्डर मजबूत तत्व से होता है, खतरा हो सकता है, लेकिन शेल्डर से काफी दूर दूर और गेंद जैसे निकालने लगा। छह रन के लिए उसे छह रन के साथ बढ़ता है स्कोर 116 रन, चार विकेट का नुकसान पर 10 ओवर की प्रगति पे। लंबे लंबे हिट के लिए जाना जाता है, देखते हैं कितना टीम के लिए अपना रन जिता पाता है। छोटी में गदर सामना करने रहेंगे और फिर तो बहुत खेल दिया फेलर मौजूद और किसी डिवीजन में कितना सोना था नहीं था और जो फिर कमेंट्री बॉक्स से ऊपर से गए छह रनों के लिए। तुम्हारे गांव में आया होगा दो जगह पर दो चक्कर लगाते हैं रहे जी, अपने मजबूत इरादे जाहिर कर दिया अपनी टीम के लिए। अब धीरे धीरे खतरनाक हो चले हैं, ये बल्लेबाज निगाहें जम चुकी है पिच पे और कुछ भी कर सकते हैं। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, दो जोड़े बटे सिक्स लगा चुके थे और आउट हो सकते हैं जाते हुए। तो हरसैन का एक पांचवा विकेट गिरा, 10 ओवर की प्रगति पे 122 रन स्कोर, 122 रन के टोटल पे हरसैन का पांचवा विकेट गिरा। शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और अब धीरे धीरे अपने आक्रमक मोड में बैट्समैन ने बिट्टू बिट्टू छोटे गेंद का सामना करेंगे बिट्टू और काफी शानदार गेंदबाजी छोटे के द्वारा उठाकर खेलना चाहते थे। अंपायर का इशारा व्हाइट का सोचे तो लाल अतिरिक्त रनों के साथ बता है इसको राम विकास बाहर खड़ा रहा, बाहरों ने मत जा बाहर, बस एक पेपर गिला बस बस दसवा ओवर है ग्यारहवा दसवां ओवर है प्रगति पे। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई धोबल की टीम और यह है धोबल के कप्तान मनोज यादव। मनोज यादव बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, नीचे कर ले और खेल की भावना पे क्रिकेट खेले ओवर 124 रन। तो यहाँ से दो ओवर में 40 रन बनना तीसरा तीन ओवर हो गए हाँ तीसरा अंक साउंड जेड सोनू जेडी ओवर की समाप्ति पे हरसाली का टोटल स्कोर 124 रन।
5 विकेट के नुकसान थे। और बची 12 गेंदों में देखते हैं कितना कुछ रन अर्जित करते हैं कोहली के धन्यवाद अपनी टीम के लिए। और आते हैं मैच काफी रोमांचक मुकाबला होने वाला है, इसलिए कि दोनों टीमों में काफी मैच है। और सौरभ का है गेंदबाजी के सामने हम लोग मित्र सौरभ का ओवर को बदल दिया और बच्चे स्कोर हो गया है भाई। लंबा छक्का तो काफी लंबा है, गुप्त के रन में है देखने को मिला रस्ते पे। तो छह रन का बताता हुआ खाली का टोटल स्कोर 141 रन, 5 विकेट के नुकसान पे 11 ओवर की प्रगति पे। तो धीरे धीरे इसी से खेल लो यार, ऐसा मैच तो लग रहा था कि ये नहीं स्कोर मैच होगा, लेकिन धीरे धीरे चालू के बल्लेबाज तो 147 स्कोर हो गया है। तो छह रन के साथ बढ़ता हुआ इसे हरियाणा का 147 रन। तो बिट्टू काफी लंबा लंबा हिट लगा रहे हैं और अब लंबे हिट की जरूरत इनकी टीम को थी, इसलिए टेंशन ना लीजिए, रन बहुत है मगर बन जाएगा। महंगा अगर कहा जाएगा करनी होगी तभी फील्डिंग लगाने का लाभ होगा। और अब अंतिम ओवर लेकर आए विक्की और सामने होंगे राम विकास, विक्की की गेंद का सामना करेंगे राम विकास। तो 11 ओवर की समाप्ति पे 147 रन और 11 ओवर लेकर आए हैं विक्की। चले हल्के ओवर में बैठे ओवर को क्रॉस किया और काफी अच्छे गेंद खेलना चाहते थे, लेकिन अंपायर का इशारा आउट आप इस टाइम से काफी बाहर गए थे। और फिर एक अतिरिक्त रन के साथ बढ़ता हुआ खेल के टोटल स्कोर 48 रन, 12 ओवर की प्रगति पे। और फील्ड में कुछ बदलाव गेंदबाज के द्वारा अंतिम ओवर चल रहा है और देखते हैं अंतिम ओवर में कितना कुछ रन जुटा पाते हैं हरियाणा के बल्लेबाज अपनी टीम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जग्गू यादव जी। और देखिए एक बार पुनः अपने बारे में पता देते हुए उपाय को क्रॉस किया और काफी अच्छी गेंद पर खेल दिया है, चलने का जो खतरा हो सकता है और इस प्रकार से लगा सकता है ड्रॉप हुआ और और कैच ड्रॉप।
57 रन चाहिए जीत के लिए, तो काफी की टीम को 12 ओवर में 157। अच्छा बल्लेबाज